एक बात चलो, एक बार फटाक से एक बार फिर से देखते हैं, ताकि रिकॉर्डिंग आ जाए तो मैं काम आए। दोबारा कभी सुनना होगा तो ही काम आएगा, समझाने में परेशानी नहीं होगी, परेशान होगा। चलो ध्यान दो, इधर अपन के पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें अपन को तीन प्रॉपर्टी दी थी। पहली कब खरीदा? 1 जनवरी 2012 को, दूसरी जुलाई 14 को, तीसरी 1 जनवरी 16। मेथड लगाना है FIM और अकाउंट बनाना 2012 से 16 का। फॉर्मेट डिजाइन किया 2012 जनवरी, पहली मशीन कब खरीदी थी? 1 जनवरी 2012। टू कैश का वैल्यू भी थी। इसके बाद हमने वहाँ डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया हुआ है वो हमने नोट किया। ए का कितना है? 3000 भी था, 26 में से 3 माइनस 23 आया, ये उठा के सीडी बन गया सीडी 2014 में। दूसरा सवाल, 2014 में कोई परचेज है? 2013 में, सॉरी नहीं है ना, 13 में जब परचेज नहीं है तो दो ही काम है, डेप्रिसिएशन निकालो बैलेंस। ए का डेप्रिसिएशन कितना निकाला तुमने? 3000 रखा, 23 में से 3 गया, 20 बचे, 20 उठा के यहाँ आ गया। 2014 में परचेज 1 जुलाई, गलती कहाँ कर रहे हैं आप लोग बता देता हूँ। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये टोटल हमारा यहाँ लिखा ना, यहाँ भी लाइन खींच दे रहे, या ये टोटल किया 3000 4000, यहाँ भी लाइन खींच दे रहे, लाइन यहाँ नहीं होनी, लाइन इन दोनों का टोटल के बाद ग्रैंड टोटल की ही एक लाइन होगी हर साल। सर हम लोग ऐसे बॉक्स बना बनाएगा क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसमें एक कॉलम क्या पूरा एक ही रहेगा, आपका कहना ये है ना? हाँ, ऐसे जैसे नहीं जैसे ये हो गया पूरा ग्रैंड टोटल आया था, जैसे आपने पूरा ग्रैंड टोटल को पूरा जितना डेप्रिसिएशन आ रहा है एक बार एक साल नहीं गलत हो जाए पैटर्न गलत। 13 14 14 का बैलेंस निकाल के दिया 15 में, 15 में कोई परचेस थी नहीं, जब परचेस नहीं है तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन और बैलेंस। 15 में क्या निकाला? डेप्रिसिएशन और ए माइनस ए किया ए का बैलेंस, बी माइनस बी किया बी का बैलेंस, इसको उठा के रखा इधर। अब 16 में एक और परचेस हो गई तीसरी मशीन, तो आपके पास डेप्रिसिएशन निकालना है तो तीन मशीन हो गई, 1 2 3, तीनों का डेप्रिसिएशन निकला हुआ है, आप उठा के रख दिया ए बी सी। ए का बैलेंस कैसे आएगा? ए माइनस ए, बी का बी माइनस बी, सी का सी माइनस बी, ठीक है ना? सर आपने सी का वैल्यू तो लिखा नहीं है, एक क्वेश्चन और है तो पीछे जल्दी से अभी बताओ कौन सा देखना है, कौन सा क्वेश्चन लगाऊं? मेरे आंसर के लिए लगा दो, बताओ जल्दी से। जो अभी हेडिंग है उसका कौन सा क्वेश्चन लगाया जाए? ये हेडिंग है इसका कौन सा क्वेश्चन लगाना है? 11 का पार्ट है इसको, उसका पार्ट है तब तुम मारोगे समझ में नहीं आएगा, बाद में मत बोलना। 348 सिल्वर वैल्यू 2500, ये क्या हो गया? स्क्रैप वैल्यू।
एंड रॉकेट फ्लाई ऑन 5 जुलाई 2015 और 1 जनवरी 2016 1 जुलाई 2015 और 1 जनवरी 2016 मशीन कितने की खरीदी पहली 5600 और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 600 फिर कितने की खरीदी 3300 इसकी स्क्रैप वैल्यू आगे क्या लिखा है प्रत्यय मशीन का कौन फॉर 2014 3 16 बाय चार्ज FIM लाइव अभी भी नहीं मिली कितना लाइव लिखा है ऑल द मशीन हैव लाइव पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है पिछले क्वेश्चन में हर मशीन की लाइफ अलग अलग इस क्वेश्चन में सब मशीनों की लाइफ सेम अब डेप्रिसिएशन निकाल दो तीनों को जान दो पहली मशीन उसका नाम बातें कर लो बातें मेरे से बोलना सर नहीं समझा तो बताऊंगा अच्छे कितना है वैल्यू 20,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4000 और बी 5600 माइनस 600 डिवाइड बाय 5 5000 डिवाइड बाय 5 3300 माइनस 300 डिवाइड बाय 3000 डिवाइड बाय 5 6 यहाँ तक कोई डाउट है जहाँ तक अपन ने डेप्रिसिएशन निकाला कोई कंफ्यूजन अब अपने पास सेम पैटर्न है अकाउंट 2014 से चालू होगा कब खरीदा है 1 जनवरी टू कैश ए मशीन कितने में खरीदा 5,500 और 2014 में ही 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाया 2500 डेप्रिसिएशन ए कितना है 2500 ए का 4000 4000 चेक कर लो डेट जनवरी से दिसंबर पूरा 12 महीने है ना कोई पंगा नहीं बाय बैलेंस बीडी कैश कितना आएगा 2015 कोई परचेज है बैलेंस बीडी ऑफ ए 18,500 1 जुलाई टू कैश बी मशीन 5,600 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन ए और बी फिर मैंने बताया था जब भी नई परचेज हो तो अपन वैल्यू अंदर से लिखेंगे पहले का डेप्रिसिएशन 4,000 दूसरे का डेप्रिसिएशन 1,000 चेक करो डेट ए मशीन जनवरी से दिसंबर पूरे साल का लगेगा यहाँ मशीन 500 जुलाई से दिसंबर 6 महीने का लगेगा टोटल कितना हो गया 14,500 बी की वैल्यू 5600 में 5% जाएगा तो 5100 टोटल 600 19,600 2016 1 जनवरी टू बैलेंस डी डी ए एंड बी ए की वैल्यू 14,500 बी की वैल्यू 5100 टोटल
1600 2016 में कोई परचेज नहीं है है क्या सी कितना 5,500 में 4,000 गया तो 10,500 5,100 में 1,000 गया 15,000 हाँ वो 17,000 आ गया तो 15,000 अरे मैं कर रहा हूँ मैं वहाँ क्या करने का पानी दे दो डन अब इसके चार क्वेश्चन थे दो मैंने लगा दिए दो तुम्हारा काम है दोनों की समरी आगे बनाओ और अभी चेक करो तो ग्रुप में डालो दोनों क्वेश्चन की समरी बना के दिखाओ भैया ब्लू लाइट है पर इस समय